आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, आदरणीय राजीव जी, मेरे मित्र बुद्ध चंद्रशेखर जी, और इस कार्यक्रम में हमें कहा गया 77 कंपनीज के प्रतिनिधि तथा अनेक कंपनियों की प्रतिनिधि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, अनेक इंस्टीट्यूशंस की स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट के मित्र भी जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित कलशी जी एनसीबीटी के चेयरमैन, साकलानी जी एनसीईआरटी के चेयरमैन, यूजीसी के अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, ये एक अच्छा अवसर है। मैं राजीव जी को पूछ रहा था, राजीव जी, इस प्रोग्राम का क्या नाम दिया जाना चाहिए? एक समय आई है कि सरकार एक सही मायने में फंक्शनिंग एज ए फैसिलिटेटर, सरकार की रोल है कोलैबोरेशन करवाना। अभी कीर्ति जी ने जब इस कार्यक्रम की इंट्रोडक्शन स्पीच दे रहे थे, तब उन्होंने कहा यही राइट टाइम है इंडस्ट्री, एकेडेमिया और पॉलिसी मेकर्स की एक कोऑपरेटिव अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच ले आने के लिए। मैं मानता हूँ इन दिनों में AICTE की नेतृत्व में नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी कुछ दिनों से ये एक प्लेटफॉर्म, जिसकी एक सॉफ्टवेयर है AICTE की नेतृत्व में, अब तक उसकी एक मॉडल हम लोगों ने देखा था, उसमें आप जैसे कंपनियां, फ्रेंड्स देयर इज ए प्रोवर्ब, नो मील इज फ्री मील। हमें जब बुद्ध और AICTE की चेयरमैन महोदय कहा कि हमने एक ऐसे ही मॉडल लेके आया है कि चार फी बेस्ड स्किलिंग सिस्टम पे एक सीट कंपनियों ने फ्री देंगे, और मैं स्वभाव से थोड़ा ऑफ ट्रैक चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने कहा सच में फ्री होगा क्या? बोले हाँ फ्री होगा। और इस बारे में जब उन्होंने मेरे को ब्रीफिंग करने के लिए आया तो टोटल फ्री है, उस समय बाई फोर गेट वन फ्री, इस समय में टोटल फ्री। मैंने आज ये पॉलिसी इंचार्ज, जिसमें मैं सहमत हूँ, मैं पहले कह देता हूँ, कैवेट कर देता हूँ, मेरा असहमति नहीं है, सहमत हूँ, बट देर इज नो मील इज ए फ्री मील। अभी आपने कहा कि नाउ वी विल बी ऑफरिंग 1.1 करोड़ स्किलिंग सिस्टम, स्किलिंग एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स टू स्टूडेंट्स, इज इट रियली फ्री? कीर्ति जी, और लेटर ऑन यू विल गिव मी प्रेजेंटेशन, इज इट रियली फ्री? फॉर मी, आई एम अगेन सेइंग, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आई एम वेलकमिंग दिस मॉडल, बट दिस इज नॉट फ्री, दिस इज ए कोलाबोरेशन, दिस इज ए बिजनेस अरेंजमेंट बाई कंपनी एंड द स्टूडेंट्स, एंड हियर गवर्नमेंट इज द फैसिलिटेटर, AICTE इज द फैसिलिटेटर, द NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रोविजन, ये एनविजन PM साहब ने किया है, देयर विल बी ए NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम होगा, देयर विल बी आर्किटेक्ट, देयर विल बी नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्ट, एंड ब्लॉक्स विल बी देयर, एंड देयर विल बी ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग सिस्टम, एवरीबडी विल टॉक टू ईच अदर, एवरीबडी विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एंड अभी मैंने, आप लोगों ने भी कोट किया उसको, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की मैकेंसी की रिपोर्ट को आपने कोट किया, मोटा मोटी भारत की बारे में ये कहा गया है कि आने वाले, आज 22 से आने वाले 3 साल के अंदर जितने वर्क फोर्स या जितने आउटकम निकल के आएंगे, किसी की इफोर्ट के ऊपर, किसी की मैन पावर के ऊपर, श्रम शक्ति के ऊपर एक आउटपुट निकल के आएगा,
2025 तक भारत में जितना मैंडेट्स वर्कफोर्स बनेगा उसकी 50% मशीन से आएगा, 50% मैन से आएगा, और लगभग 10 करोड़ पुराने जॉब अबोलिश होंगे, उतने ही जॉब नए बन जाएंगे। तो देयर विल बी लॉट ऑफ अनस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। ये दोनों नंबर गलत है, मैं कह रहा हूं राजीव जी। मैं ऐसे लोग जिला में घूमते हैं, हम जिले में अभी अभी किसी कारण से घूम के आए हैं, घूम के आने के बाद करेंगे जिलाओं में जो हो रहा है ना ग्रास रूट पे जो हो रहा है, डू यू नो हाउ मच, व्हाट इज द स्टेक यू हैव। अब जो 1 करोड़ 10 लाख ट्रेनिंग आप हमको ऑफर कर रहे हो फ्री, कोट अनकोट फ्री, ये आप, मैं अभी राजीव जी से पूछ रहा था कि भाई ये जो हमारी एक एडुटेक कंपनी सबसे बड़ा ब्रांड बना है बाइचू, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन बिलियंस में है, जिसकी रेवेन्यू अर्निंग लगभग अभी $500 million की वैल्यू वर्थ की है, 250-2800-3000 करोड़ रुपया तक गया है, और ये कितने स्टूडेंट्स को छुआ है अभी तक, कितने स्टूडेंट को छुआ है ये अभी तक, पेमेंट उनकी लगभग 60 लाख, 6 मिलियन, राजीव जी यू सेड इन दैट 6 मिलियन स्टूडेंट्स आर पेइंग, 4 to 6 मिलियन, ऐसे एक रफ कैलकुलेशन आ रहा है। आप अनुमान करिए, जो आप कह रहे हो फ्री, मैं इसको क्यों स्वीकार कर रहा हूं और सहमति भी दे रहा हूं, फ्री कुछ नहीं है। आप देखो, आप एक नवरत्न तेल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। आपकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बुद्ध चंद्रशेखर है। एनीएटी उन्होंने बनाई, आप सबको इकट्ठा किया, AICT को साथ में रखा, राजीव जी और मेरे को भी ले आया, NCVT को हम ले आया साथ में, हमने NCERT को ले आया। हमारी ताकत जानते हैं क्या है? हमारी देश में अभी नास्कॉम को फ्यूचर स्किल्स प्राइम की काम दिया गया है, मेटी ने 450 करोड़ रुपया दिया है इसी काम के लिए। तो काम क्या है और कितने लोगों के अंदर काम करना है? आप 1 करोड़ 10 लाख में अटके हो, मैं आपको एक पोटेंशियल कंसल्टेंसी आपको दे रहा हूं लगभग 30 करोड़ की। हमने जो आज NCVT और NCERT चेयरमैन साहब को दोनों को बुलाया है, आप जानते हैं बाइचू 2500-3000 करोड़ रुपया रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है विद रजिस्ट्रेशन ऑफ अराउंड 60 लाख स्टूडेंट्स। भारत में विद्यार्थियों की संख्या, जो मैं देख रहा था, बहुत स्कूल बच्चे ऊपर हैं, थोड़ा बातचीत भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, नहीं तो स्कूल बच्चे और कॉलेज यंगस्टर्स कैसे हमारी बातों को, नेताओं की बात को पिन ड्रॉप सुन जाएं, थोड़ी ना अफसर हैं, थोड़ा तो गुटरगु करेंगे, वो स्वभाव है यंगस्टर्स की। मैं बहुत स्कूल स्टूडेंट्स को देख रहा था इसमें है। अभी स्कूल स्टूडेंट्स जितने तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जितने जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी नेचर ऐसा है, यंगस्टर जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। अभी कभी आपने, मैंने इन दिनों में एक वीडियो में देखा, अभी सबसे बॉलीवुड की बढ़िया सॉन्ग कौन सा है? कौन सा? पुष्पा का ही सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है। देखो मैं अपडेट हूं ना, मार्केट के साथ मैं सिंक किया हूं कि नहीं किया हूं? पुष्पा की वो जो चंद्रावली वाला गाना, पैर खिसका खिसका के, अभी मैंने देखा कि डेढ़ दो साल के एक बच्चा ऐसे ही चल रहा है, वो गाने की ट्यून के साथ ऐसे चल रहा है। माय पॉइंट इज सी द अडेप्टेबिलिटी, सी द वॉइस एज। मैं अभी गुजरात गया था, गुजरात में प्रधानमंत्री जी जिस काम को आज हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे 10-12 साल पहले विजन कर चुके थे। वो टीवी में गुजराती में था, उसको मैं समझने का कोशिश कर रहा था, ऐसे उड़िया और गुजराती भाषा दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, मैं समझ लिया थोड़ा उसको, बाकी एक दो इंटरप्रेटर को पकड़ के पूरा समझा,
किया था उन्होंने, वो कहा कि देखो कोई बच्चा टीवी में दिख के किसी भी भाषा के गाना को समझ लेता है, और समझता क्या, उसको प्रैक्टिस कर ले तो उतना बढ़िया से गा भी सकता है। वो चंद्रवल्ली के गाने इसीलिए 1.5 साल की बच्चा उसको अडॉप्ट कर लिया। ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये साइंस है, किस उम्र में किस बच्चा किस प्रकार की चीजों को सीख लेगा। हम जो बच्चा, उसको थोड़ी ना कोई 1.5 साल में 1 साल में उसके पास कोई ट्यूटर रहता है क्या? ट्यूटर तो उसकी माँ है, ट्यूटर तो उसकी पिताजी है, ट्यूटर तो उसके घर के और 4 लोग हैं, दादा दादी जी हैं, उनसे पहले बोलना सीखता है, उसके पहले और वार्ड को रिकॉग्नाइज करना सीखता है। यानी उस उम्र में बच्चे के पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी परिप्रकाशित हो जाता है। पीएम ने 10 साल पहले ये कहा कि अगर आप टीवी में दिख के गाना सुनते हो, समझते हो और उसको अडॉप्ट कर लेते हो, पढ़ाई को ऐसे हम कर दें तो परीक्षा सबसे चैलेंजिंग चीज है। मैथमेटिक्स मेरे को आता तो मैं और कुछ बनता, आया नहीं इसलिए इधर आ गया। मैं सबसे सोशल साइंस पढ़ा, मेरे को लगा यही नेतागिरी करने का सबसे बड़ा अच्छा पढ़ाई है, कम मेहनत से डिग्री हो जाएगा। मैं बाय डिफॉल्ट सोशल साइंस पढ़ा, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माय सोशल साइंस स्टूडेंटशिप। मैं पढ़ा तो इसको समझ पाया, समाज को समझ पाया, टेक्नोलॉजी को आज सोशियोलॉजी पढ़ा इसीलिए समझ पा रहा हूं।